नागपुर सहित देश भर में सोमवार से 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण शुरू किया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच किशोरों के बचाव के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई, ताकि संक्रमण से उन्हें भी सुरक्षा मिले। इसी के तहत नागपुर शहर में भी प्रशासन द्वारा 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके लिए शहर में कुल 16 जगहों पर सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ सोमवार से देश में एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई। देश के 15 से 18 साल के करीब 7.50 करोड़ किशोरों को सोमवार से कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। इस उम्र के लोगों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। शहर में प्रशासन 15 से 18 साल के किशोरों के वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह सज्ज है। वहीं शहर में कुल 16 जगहों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिनमें मनपा के सेंटर, निजी अस्पतालों के केंद्र और कुछ स्कूलों का समावेश है। वहीं स्कूलों और कॉलेजों में किशोरों का वैक्सीनेशन हो, इस उद्देश्य से शिक्षा अधिकारी से बात कर नियोजन किया जाएगा। इसलिए बड़ी संख्या में वैक्सीन लेने का आह्वान लोगों से किया गया है। वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश भर में आज से 15 से 18 आयु वर्ग के बेटे और बेटियों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है, और उसी श्रृंखला के अंतर्गत नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी उस क्रम को प्रारंभ किया है। महानगर पालिका के करीब करीब 16 सेंटर पर हमने इस प्रकार की प्रक्रिया प्रारंभ की है। साथ ही साथ 33 विद्यालयों में नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से यह प्रक्रिया प्रारंभ है। उत्कृष्ट प्रतिसाद है। करीब करीब 10,000 बच्चों ने ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन किया है। महानगर पालिका पूरी सक्षमता के साथ में इन बच्चों का वैक्सीनेशन करना चाहती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि 15 से 18 वयोगट के जो भी बच्चे हैं, वे बच्चे महानगर पालिका के इन केंद्रों पर जाकर के वैक्सीनेशन कराएं। हम लोग विद्यालयों में जाकर भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। विद्यालयों में पालक का कंसेंट लेकर के हम लोग वैक्सीनेशन की सुविधा कर रहे हैं। विद्यालयों में गतिशीलता ज़्यादा रहे के कारण एक छत के नीचे सारे बच्चे मिल जाते हैं, इसलिए उस सुविधा का लाभ भी पालक लोग लें, यही मैं निवेदन करूँगा।